दोस्तों IPL कप का शुरू हो चुका है और आप लोग भी चाहते हो कुछ इस तरह से 3D AI इमेज क्रिएट करना जिसमें आपका फेवरेट टीम हो और आप ही का फेवरेट प्लेयर हो और उसके साथ जर्सी पे आपका नाम हो। तो आ जाओ बॉस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा इमेज क्रिएट करना चुटकियों में सिखा दूंगा और इस 3D AI इमेज से आपको ऐसा फिल्टर वाला रील्स भी क्रिएट करना आसानी से सिखा दूंगा। तो वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह से इमेज क्रिएट करने के लिए आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करके आपको सर्च कर लेना है Bing AI इमेज क्रिएटर। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर की साइट देखने को मिल जाएगी। सिंपली इस पे क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट के Bing वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और सबसे पहले इस साइट पे आपको लॉग इन हो जाना है आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाकर। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको कैसे बनाना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को देख के आराम से अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाकर इस साइट पर लॉग इन हो जाना। उसके बाद आपको इस बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है जो मैं आपको वीडियो में आगे दे दूंगा। अब इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पे येलो लिखा है तो आपको अपने टीम का जर्सी, जो आपके टीम का जर्सी का कलर होगा, जैसे RCB का लाल होता है, CSK का पीला होता है, वैसे ही यहाँ पे आपको रख लेना है। जैसे मैं इस बार RCB के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे रेड रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको मेरा नाम दिख रहा है संदीप, आपको अपना नाम लिख लेना है। जैसे मैं इस बार अजय के लिए बना रहा हूँ तो अजय का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी प्लेयर होगा फेवरेट प्लेयर उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे धोनी लिखा है तो मैं RCB का बना रहा हूँ तो यहाँ पे विराट लिख देना है और यहाँ भी आपको वहीं लिख देना है विराट कोहली। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेन्नई सुपर किंग जो टीम का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैं RCB के लिए बना रहा हूँ तो RCB का फुल फॉर्म हो गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो यहाँ पे आपको वो भी लिख देना है, वो भी आपको चेंज कर देना है, आपको अपने टीम का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम दिख जाएगा CSK तो इसको RCB कर देना है। उसके बाद आपको अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टी शर्ट कलर चेंज कर देना है, उसके बाद आपको अपना नाम चेंज कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फेवरेट प्लेयर का नाम रख लेना है यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद यहाँ से आपको अपने टीम का पूरा नाम चेंज कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम को चेंज कर देना है और बस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्रिएट कर देना है, हो जाएगा। यहाँ से आपका कुछ ही देर में इमेज क्रिएट होके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम लोगों का इमेज क्रिएट होके आ गया है जो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इमेज क्रिएट होके आ गया है। तो अब इनमें से आपको जो भी इमेज अच्छा लगे सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको गैलरी में सेव करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने गैलरी में सेव कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसा रील्स बनाने के लिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अभी आपने जो इमेज डाउनलोड किया था सिंपली उसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल्स का, इस पर क्लिक करके आपको इस इमेज का रेशियो चेंज करके 9:60 कर लेना है। फिर आपको बाहर पे टैप करना है और फिर से आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बीजी का, इस पर क्लिक करना है और इमेज वाले पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। फिर से इसी के साइड में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल का, इस पर आपको 2 बार टैप कर देना है और फिर से आपको लेयर पे क्लिक करके इसको आगे की स्क्रॉल करना है और इस ब्लैक पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है और इसका रेशियो आपको 3 सेकंड से 12 सेकंड के आसपास आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए अरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक स्पॉट पे क्लिक करके इसको आपको अपने गैलरी में यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको प्ले स्टोर से सुपर VPN को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का, सिंपली इस पर आपको क्लिक करके आपको अपने फोन में सुपर VPN को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर लेना है और यहाँ से अब आपको अपने फ़ोन को 5-6 मिनट वेट कर लेना है और 5-6 मिनट वेट करने के बाद आपको गूगल को ओपन करना है
और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है हीलिंग थाईलैंड कप का टेम्पलेट। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर की साइट देखने को मिल जाएगी, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूज टेम्पलेट इन कपकट, मतलब इस पे आपको क्लिक करना है, आपको सीधा यहाँ पे कपकट में यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिंपली यहाँ से आपको अब यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और अभी आपने जो वीएन से वीडियो सेव किया था सिंपली यहाँ से आपको टिक करना है उस वीडियो को और यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ ही देर में आपका वीडियो बना के यहाँ से दे देगा, जो आप बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है उसको आप देख ही सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और सेव एंड शेयर विद टिकटॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।